नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ, सुखी और मस्त होंगे। तो देखिए, ये सुबह 9 बजे का मौसम है और अभी तक थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी। थोड़ा कोहरा भी ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। अब पता नहीं यार आज धूप आती है कि नहीं। चलो नाश्ता तो कर लेते हैं। तो हम लोग करते हैं नाश्ता, जैसे कि आपको पता है कि मैं बना रही हूँ आज दाल की कचरी। दादी, हमने चने की दाल निकाल दी है, इसको हम आध भर के लिए भिगा देंगे पानी में। अब इसको पानी डाल के रात भर के लिए भीगने के लिए रख देंगे। अब ये दाल भिगा दी है, मतलब रात को भिगा दी थी और अभी ये भीग चुकी है। अब इसको पीस लेते हैं मिक्सी के जार में डाल के। वैसे आप सिलबट्टे पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन अब मैं तो मिक्सी में ही पीस रही हूँ, तो पीस लेते हैं दाल को। और ये हरी मिर्च तोड़ लेते हैं। अब हरी मिर्चें कुछ कुछ लाल भी हो गई हैं और ये लगा रखा है मैंने कट्टे में, क्योंकि यहाँ पे सही रहता है यार, खेत में जाना तो बड़ा मुश्किल होता है। इस बार मैंने लगाई भी नहीं। उफ, एक लाल भी टूट गई। चलो इतना बहुत है, एक और तोड़ लेते हैं, चटपट बनाते हैं ना। ठीक है, इतनी तोड़ लेते हैं हरी मिर्च। और ये हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है, छिल भी लिया है। चलो इसको पीस लेते हैं। और ये दाल पीस गई है, इस तरह से पीसना है इसको सूखा सूखा। तो हरी मिर्च और लहसुन मैंने पीस लिया है, इसको मिला देंगे दाल के पेस्ट में। और ये कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, अब डाल लेते हैं उसमें तेल। और तेल तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, तो इसको थोड़ा गर्म होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए तो तब जाके हम लोग इसमें तलेंगे कचरी। तो बनाते हैं दाल की कचरी और डालेंगे अब स्वाद अनुसार नमक। नमक का हर किसी का अलग अलग स्वाद होता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, अपने हिसाब से डालिएगा। और ये थोड़ी सी हल्दी और ये धनिया पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा जीरा पाउडर। और लाल मिर्च हम डालेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्च का यूज़ किया है। मैं ज़्यादातर सब्जियों में हरी मिर्च ही डालती हूँ। अब दाल के मिश्रण में थोड़ा सा डाल देंगे सौंफ और थोड़ी डालेंगे हींग। हींग आप डालिएगा, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है हींग से। तो अब इसको कर लेते हैं मिक्स। अब इस मिश्रण को सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये सब कुछ इसमें मिक्स हो जाए, मसाले और ये प्याज और लहसुन हरी मिर्च सभी को मिक्स करके बनाते हैं अब ये दाल की कचरी। बनाइएगा आप भी इसी तरह से, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। चलो बना लेते हैं इसको। और हो गया है तेल गरम, और इसमें डालते हैं ये दाल की कचरी। थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाइएगा, देखिए इस तरह से। ये और सरसों के तेल के खाने में तो एक अलग ही स्वाद आता है। और रिफाइंड जितना कम हो सकता है उतना कम यूज़ करिए, क्योंकि रिफाइंड कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पहले तो हम लोग खाते ही नहीं थे रिफाइंड, लेकिन अब क्या करें, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिफाइंड में बनती हैं, लेकिन सरसों के तेल में बना के देखिएगा आप, तो आपको इसके फ़ायदे सब पता चल जाएंगे। ये तो इस तरह से हम इसको डाल देते हैं तेल में। तेल भी अच्छा खासा गर्म हो गया है। और बगल की गैस में बन रही है मेरी चाय और यहाँ बन रही है मेरी ये कचरी। देखिए अब इसे पलट देते हैं, अब कुछ कुछ पक सी गई है तो अब इसे पलटते हैं अभी। और कचरी कुछ कुछ पक गई है तो इसको पलट देते हैं। दाल के पकौड़े भी कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ हटके है, तो बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि पकौड़े नहीं है, ये है दाल की कचरी। तो ये देखिए बन गए, और बगल में चाय भी चढ़ गई है, तो डालते हैं इसमें चाय का मसाला। और चाय के साथ तो मज़े ही कुछ और होते हैं यार पकौड़े खाने का।
आभार हो रही है, हल्की हल्की सी रिम झिम बरसात। और उसके साथ करते हैं हम लोग चाय और कचरी का नाश्ता। अब बन गया है, अब इसे निकाल लेते हैं ताकि सारा तेल इसमें ही रह जाए। और ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो डाल देते हैं तब तक उनका तेल निकालने तक एक और। ये देखिए उसकी आवाज़ देखी आपने, कितने करारे बने हैं। अब ये इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाएगा कि तिगना हो जाएगा। और बन गई है चाय और ये है सॉस। तो देती हूँ मैं बोरा जी को। और ये बोरा जी बैठे हैं नाश्ते के इंतजार में, तो देती हूँ मैं इनको नाश्ता। ये खाते बताना कैसे बने हैं। और देखते हैं भाभी जी घर पर है। थैंक यू। तो अब हम लोग भी करते हैं नाश्ता एंजॉय। और देवू को तो सॉस वॉस पसंद नहीं है, तो उसने तो डाला नहीं है, बोला कि नहीं मैं तो सॉस नहीं लूंगा। कह रहा था चटनी बनाते लेकिन यार सॉरी चटनी नहीं बना पाई, चलो अगली बार में चटनी बनाते हैं। तो खाते हैं हम लोग भी और करते हैं एंजॉय। और आप देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।